अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फ़ैमिली कैसे आप सब उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे मैं हूँ आशा बिलाल आप देख रहे हैं अपने चैनल आशा बिलाल ब्लॉग आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ फुल बॉडी विंटर का सीरम आप किस तरह घर में आसानी से बना सकते हैं अपने बालों की केयर कर सकते हैं अपने नेल्स की नियर कर, केयर कर सकते हैं अपने हाथ पाँव की केयर कर सकते हैं अपनी सेंसिटिव स्किन की केयर कर सकते हैं आपकी ड्राई स्किन को आप किस तरह स्मूथ कर सकते हैं बेबी सॉफ्ट कर सकते हैं चलिए जिलेबिया टाइम्स की वीडियो को स्टार्ट करते हैं आपने फ्रेश ले लेना है एलोवेरा का लीव इसको आपने थोड़ी देर के लिए पानी में भिगो देना है ताकि जो इसका येलो पानी है वो सारा निकल जाए फिर आपने इसको कट कर लेना है इसको अच्छे से कट कर लेने के बाद आपने इसकी जितनी भी जेल है वो आपने निकाल लेनी है जो आपका जो लीव है वो थोड़ा सा वजनी होना चाहिए ताकि इसकी जो इसमें जो जेल है वो थोड़ी सी ज़्यादा निकले और इसको आप डेली यूज़ कर सकते हैं विंटर में इसे आप बच्चों को भी लगा सकते हैं आप जो बोन्स बेबी होते हैं आप उनको भी लगा सकते हैं ये आपकी स्किन को विंटर में बहुत ज़्यादा नरिश करेगा आपकी स्किन की जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उनको रिमूव करेगा डार्क स्पॉट्स को रिमूव करेगा आपकी छाइयों को रिमूव करेगा आपके आंखों के नीचे जितने भी हल्के हैं उनको ख़त्म करेगा ये सीरम इसको आप डेली यूज़ कर सकते हैं और ये आपका आसानी से आपका सिक्स मंथ चल सकता है फिर आपने कांच का बोल लेना है और जो आपने जिसकी जल निकाली है वो सारी आपने इसके अंदर ट्रांसफर कर देनी है इसको आपने डबल बॉयलर करना है अगर आपका शीशे का कोई जार हो एयर कंटेनर आप उसमें भी इसको डाल सकते हैं अगर आप चाहे तो आप इसे एक्स्ट्रा वर्जन कोकोनट ऑलिव ऑयल भी आप इसको बना सकते हैं अगर आप चाहे तो आप इसे एक्स्ट्रा वर्जन कोकोनट ऑयल में भी बना सकते हैं पर वो वर्जन में होना चाहिए एक्स्ट्रा वर्जन में तकरीबन डेढ़ कप के बराबर आप इसमें ऐड करेंगे इसको ऐड करने के बाद फिर आपने इसको डबल बॉयलर में तकरीबन एक घंटे के लिए आपने इसको डबल बॉयलर में आपने इसको थोड़ा सा पकाना है ताकि जो एलोवेरा कलर है वो चेंज हो जाए जो इसका पानी है वो अच्छे से खुशक हो जाए फिर आपने लेना है कोई भी पैन ले लेना है आपने हैवी पॉट वाला कोई भी हैवी दात वाला होना चाहिए आपने वो ले लेना है उसके आपने पानी डालना है इतना कि जो आपका कांच का जो बर्तन है वो इसके अंदर टच होना चाहिए फिर आपने इसको डबल फिर आपने पानी जो आपने पहले अच्छे से बॉयल कर लेना है उसके बाद आपने जो आपने जा रहा है वो डालना है और फिर आपने इसको अच्छे से पकाना है तकरीबन दस मिनट के बाद इसका जो पानी है वो हल्का सा ड्राई होना शुरू हो चुका था एलोवेरा का जो जूस है वो थोड़ा सा निकलना ड्राई होना शुरू हो हो चुका था वो जो हमारा जो सीरम है वो थोड़ा सा तैयार होना शुरू हो चुका था आपने इसको इतना पकाना है कि जिसका है जो इसका, इसका वो वो रिमूव हो चुका था जो हमारी एलोवेरा है, है वही रह, रह चुका था यहाँ तकरीबन एक घंटे के बाद जो इसका पानी है वो अच्छे से खुशक हो चुका था जो इसका पल्प है वो भी काफी ड्राई हो चुका था और जो इसका पानी है वो भी तकरीबन खत्म हो चुका था और जो हमारा ऑयल है वो थोड़ा सा गारा हो चुका था फिर आपने इसको तकरीबन थर्टी फाइव मिनट के लिए आपने इसको ठंडा करने के लिए छोड़ देना है इसको छोड़ने के बाद आपने इसको लैदा बॉल में ट्रांसफ़र कर देना है और ये इंटर में और ये विंटर में इतना ज़्यादा आपको ग्लो करेगा ना ये जो आपका पल्प है ये आपका थोड़ा सा पिंकिश कलर में आ जाएगा रेड तो ये ख़राब नहीं होगा ये सिर्फ पिंक कलर में आएगा फिर आपने इसको लैदा बोल्ड में ट्रांसफ़र करने के बाद आपने इसमें दो कैप्सूल डालने हैं ई के विटामिन ई के अगर आपके पास रोपर में हो वो भी ऐड कर सकते हैं तकरीबन चार पांच कतरे आप इसमें ऐड करिएगा ज़्यादा इसमें ऐड नहीं करिएगा अगर आपके पास कैप्सूल हो आप कैप्सूल भी इसमें ऐड कर सकते हैं और वो ई के होने चाहिए अच्छी क्वालिटी के आपने इसके अंदर ऐड करने हैं इसको डालने के बाद आपने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है ताकि जो हमारा विटामिन ई का जो हमने ऑयल डाला है वो अच्छे से हमारे सीरम में जो है वो हल हो जाए इसको तैयार करने के बाद फिर आपने इसको किसी भी एयर टाइट कंटेनर में डालना है और वो जो आपका एयरटेल कंटेनर है वो शीशे का होना चाहिए आपने इसको प्लास्टिक में नहीं डालना और ये सिक्स मंथ आपका इजीली चल जाएगा इसे आप अपने बालों पे नाखूनों में हाथों पाँव पे कोहनियों पे कहीं भी आप चाहे आप इसको लगा सकते हैं आप फुल बॉडी का मसाज कर सकते हैं इस ऑयल के साथ आपके ये आप इसके अपने आइस के नीचे लगा सकते हैं अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक कीजिएगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा मुझे इंस्टाग्राम और ट्विटर पर ज़रूर फॉलो कीजिए मैं मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी और मुझे इसे बनाकर इस्तेमाल कर मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपके फेस पे किस तरह का रिजल्ट लाया